मतलब मैंने फोन किया भी तुहानू पार्सल दिता जा रहा फ्री ऑफ कॉस्ट ते तुहानू कोई पैसा नहीं देना पेगा, तुहानू पार्सल विच तीन ब्रेड ऑयल मिलणगे। ते बाद चो उन्होंने मैंने फोन किया भी तुहानू 990 रुपए देने पैणगे। ते उन्होंने मैंने कहा भी तुहानू यह देना ही पैना है, नहीं तो तुहानू 15,000 रुपया जुर्माना पेगा, भी जुर्माना दिता जाए नहीं तो तुहाडी पुलिस कंप्लेन कर दी जाएगी। डिजिटल जमाने दे विच कई तरह दियां डिजिटल ठगियां होण दे किस्से सामने आ रहे ने, पर हुण गुरदासपुर शहर दे मुहल्ला इस्लामाबाद दे एक दुकानदार नूं एक फ्री पार्सल ने भज नठ विच पा दित्ता। इस दुकानदार पासों झूठे केस विच फसाउण दियां धमकियां दे के पैसे की मांग की जा रही है। वड्डी गल इह है कि धमकियां देण वाले लोग सिर्फ वट्सएप कॉल ते वट्सएप मैसेज दी ही वरतों कर रहे ने तां जो उहनां नूं ट्रेस ना कीता जा सके। कई दिनों तो परेशान हो रहे दुकानदार ने आखिरकार इसकी शिकायत पुलिस नू कीती है। मेरा नाम राकेश कुमार, गुरदासपुर इस्लामाबाद मोहल्ले च मेरी दुकान है। सर मैनू एक पार्सल आया, मतलब मैंने फोन किया भी तुहानू एक पार्सल दिता जा रहा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो तुहानू कोई पैसा नहीं देना पेगा, तुहानू पार्सल विच तीन ब्रेड ऑयल मिलणगे। तो जदों मैं कहा भी मैंने पार्सल भेज दो कोई गल नहीं हैगी, तो मैं तुहानू डिलीवरी चार्ज थोड़े दे दाँगा। तो बाद चो उन्होंने मैंने फोन किया भी तुहानू 990 रुपए देने पैणगे। तो जो मैं पार्सल उन्होंने कहा मेरे को वापस लै जाओ, मैं उन्होंने नहीं पे करनी हैगी, तो उन्होंने मैंने कहा भी तुहानू यह देना ही पैना है नहीं तो तुहानू 15,000 रुपया जुर्माना पेगा। तो हूँ वह मेरे को 15-20,000 रुपया मंगते पे है, तो मैं मैंटली हरासमेंट करते पे है भी मैनू भी जुर्माना दिता जाए नहीं तो तुहाडी पुलिस कंप्लेन कर दी जाएगी। ये जो पार्सल आया है तो कोई पहला ऑर्डर किया सर? मैं कोई ऑर्डर नहीं किया, उन्होंने गूगल तो मेरा नंबर चुकया तो मैंने कहें भी तुम जनरल स्टोर से तुम काम कर रहे हो अपना, तो तुम ब्रेड ऑयल वेचो। तो मैं क्या मैं नहीं वेचता है, तो इन्होंने मैंने कहा भी तुम ब्रेड ऑयल वेचो, तुहाडे वास्ते बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हूँ मेरे को 15,000 की मांग करते पे है। तो जे मैं नहीं मना करदा वा तो मैं इल्जाम लाते भी साढ़े जो स्टाफ ने तुम मिसबिहेव कर दे तो जानो मान की धमकी दे रहे हो, जबकि इदा का मैं कुछ नहीं किया। मैं चाहना मैं इंसाफ मिले भी मैं इन्हों ब्रेड ऑयल मैं खोले भी नहीं है, अपना लै लैन तो मैं हरासमेंट ना कर। मैं थाना सिटी से कंप्लेन दे के आया, तो एस एच ओ साहब ने मेरी गल हो गई, कहते कोई गल नहीं, यह डरन वाली कोई गल नहीं। मैंने फ्रॉड लगता पाया भी जो पहला 490 मंगते ही फिर 990 मंगते, हूँ मेरे को 15-20,000 की मांग करते पे। व्हाट्सएप से मैं यही कर दे कि दुकान सील कर दी दी जाएगी, तो तुहाडा जो गूगल अकाउंट बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, तो तुहानू उत्थे थाने सद्या जाएगा वडोदरा दे विच, तो तुहानू जुर्माना भी 20-25,000 रुपया होगा। बार बार कहते पैसे जमा कराओ, तुम अपना अकाउंट नंबर दो, पर मैं अपना अकाउंट नंबर नहीं देना। मैं 20-25 फोन आ गए 10 दिनों के बीच। गोत्री पुलिस स्टेशन पर इसके सिग्नेचर भी आपकी कंप्लेंट के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। साहब ने आपको आज उन्होंने के लिए बोला है तो आप बरोड़ा गुजरात पुलिस स्टेशन पर आ जाइए, या फिर आधे घंटे के अंदर 990 रुपये का अमाउंट है पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। पर कॉल करके आपने रिसीव करके बात कर ली ना कॉल पर, तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में आपको बुलाएगी, ठीक है। फिर वकील पर नोटिस कटाया जाएगा, खर्चा 15,000 का जुर्माना और 990 का पेमेंट तो बनना ही रहेगा, ये सब मिला के 20,000 का जुर्माना आपको देना पड़ेगा, ठीक है।